क्या हाल है आप सभी के। मैं हूँ आइवन फ्रांसिस और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पे कुछ लूप रील्स चल रही है, उनका ट्रेंड चल रहा है, जो रील्स है वो लूप में प्ले होती है। तो दोस्तों, मैंने भी रिसेंटली एक ऐसी रील डाली हुई है, आप मेरी रील्स चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं उस रील का ब्रेक डाउन करूँगा, मैंने कैसे रील बनाई है, ताकि आप अगर बनाना चाहो तो आप भी बना सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो इस इंट्रो के साथ। स्वागत है आपका इस ट्यूटोरियल में। आई होप आपने प्रीमियर प्रो पहले यूज़ किया होगा। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप जाके उसके बेसिक सीख लो। सबसे पहले मैंने अपने दो वीडियो क्लिप्स लिए और एक ऑडियो फाइल ली, जो म्यूज़िक हम यूज़ करेंगे और जो दो वीडियो क्लिप्स हैं। तो सबसे पहले पहला वीडियो क्लिप मैंने अपनी सीक्वेंस में ऐड किया, ये वीडियो हमने यहाँ पेस्ट किया। उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स के साथ हम खेलेंगे थोड़ा, रोटेशन को 90 डिग्री और जो स्केल है उसको 30। ये है अप्रोप्रिएट मेरे रील का एडिट करने के बाद। तो ये है हमारे एट्रीब्यूट्स इन दोनों के, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा सीक्वेंस कवर हो रहा है इंस्टाग्राम रील का। और अब मैं इसे थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि हम फ्रेम में खेल पाए। तो जिस समय मेरा जूता, मेरा शू मेरे लेग को टच करता है, वहाँ पे हम एक कट मारेंगे। मैंने सी दबाया, वहाँ एक कट मारा और आगे वाला जो है वीडियो है वो डिलीट कर दिया, क्योंकि उसका हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसके एट्रीब्यूट्स को कॉपी करूँगा ताकि जो दूसरा वीडियो है उसको पेस्ट कर सकूँ। ये मैंने एट्रीब्यूट्स पेस्ट किए और वो भी सेम रोटेशन और स्केल का हो चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद मैं म्यूजिक ऐड करूंगा, हमें म्यूजिक यहाँ से लेनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से बीट पे बेस और मेन म्यूजिक चालू हुई, तो हमें बीट पे हमें ट्रांजिशन करवाना है। तो मैं थोड़ा सा म्यूजिक को एडजस्ट करूंगा अपने हिसाब से। आप देख सकते हैं जो म्यूजिक का जो बार्स है, आप देख सकते हैं वो जो ग्राफिकल वे में म्यूजिक दिखाई गई ना, उसमें जो जहाँ पर बड़े ग्राफ्स हैं, समझ लीजिए वो मेन बीट है और वहाँ पर ही मेन म्यूजिक चालू होती है। तो मैं उसका ध्यान में रखते हुए अपना जो कट है उसके नीचे बड़ी ग्राफ को स्टार्ट करूँगा। तो आप समझ जाइए वहाँ पर बीट है, वहाँ पर मेरा आउटपुट चेंज होगा और फिर आगे वो रन करेगा। ठीक है, तो मैंने अपने वीडियो का उस हिसाब से एडजस्ट किया, आप देख सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लूप वीडियोस बनाना चाहते हैं, आप देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरी एंट्री हो रही है, तो एंट्री होने के बाद जहाँ मैं आके रुकता हूँ, ठीक है, आप चाहो तो कोई भी पोजीशन चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। जहाँ मैं रुकता हूँ मैं देखूँगा कि मुझे कहाँ से वीडियो स्टार्ट करना है। आप जहाँ पर कट मारोगे वीडियो वहीं से स्टार्ट होगा। तो मुझे सपोज़ वीडियो अगर यहाँ से स्टार्ट करना हो तो मैंने यहाँ पे कट मारा, अब जो आगे वाला पार्ट है उसको मैं पीछे जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और अभी मैंने स्पेस फिल कर दिया, तो वीडियो ऐसे स्टार्ट होगा ये, ठीक है। वापस से हम बीट को एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। अब बीट मेरे ख्याल से परफेक्ट है, आई फील हाँ ये बेस्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं है बीट को सिंक करने की। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने जो अपने हाथों को जो मूवमेंट दिया है, हैंड सैनिटाइजर रबिंग मूवमेंट जो दिया है, वो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं उसे भी कट करूँगा। सबसे पहले तो वीडियो अटक रहा है, हम रेंडर करेंगे। ठीक है, बढ़िया लग रहा है, बीट सिंक बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने हैंड रब मूवमेंट जो है थोड़ा लंबा कर दिया है, तो हम वहाँ पे कट मारेंगे। यहाँ पे मैंने कट मारा, उसके बाद मैं आगे जाऊँगा और जहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ उसके एक फ्रेम पहले मैंने वहाँ पे कट मारा और जो बीच का वीडियो है उसको डिलीट कर दिया। तो अब ये कुछ ऐसा हो रहा है, बाकी एकदम से पॉज आ जा रहा है और दूसरा क्लिप आ जा रहा है। तो हम एक वीडियो ट्रांजिशन डालेंगे, वीडियो इफेक्ट्स में गया, डिसॉल्व और क्रॉस डिसॉल्व वाला ट्रांजिशन दोनों के बीच में पेस्ट किया। देख सकते हैं, फिर से रेंडर करना पड़ेगा।
मैंने उसे रेंडर पे डाला, अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ्लो में दिख रहा है हमें। उसके बाद ये क्लिप को है मैं ऊपर कर दूंगा। अब ध्यान से देखिए, ये मेन पार्ट है, जो फ्रंट वाला क्लिप था हमारा, ठीक है, फ्रंट वाले क्लिप को मैंने लास्ट वाले क्लिप के नीचे पेस्ट किया, जहाँ पर यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, क्रॉप इफेक्ट लूँगा और यहाँ वाले पार्ट पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। जहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ वहाँ मैंने क्रॉप वाला पार्ट पेस्ट किया। अब मैं क्रॉप करूँगा साइड से, नहीं गलत है, टॉप वाला पार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ से क्रॉप हुआ इतना, तो इस पार्ट का एग्जिट और उस पार्ट का एंट्री, ठीक है। क्रॉप सेंटर में, सेंटर तक क्रॉप हुआ है, तो ऑफ कोर्स नीचे वाले क्लिप का जो एंट्री वाला पार्ट है वो भी दिख जाएगा, क्योंकि हमने वीडियो को क्रॉप किया है। और फेदर देना ज़रूरी है, अगर आप फेदर नहीं दोगे तो वो अलग ही कट दिखेगा। तो जितना आप फेदर दोगे उतना वो स्मूथ लगेगा। तो मैंने यहाँ पे फेदर दिया, तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे एग्जिट हुआ, उससे पहले मेरा दूसरा पार्ट एंटर हो गया। तो मुझे थोड़ा सा और जल्दी करवाना है, तो मैं उस क्लिप को थोड़ा सा और पीछे कर दूंगा, नीचे वाले क्लिप को जो मैं एंट्री कर रहा हूँ वाले क्लिप को थोड़ा सा और मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं, आपने देखा होगा क्या हुआ, ये वाला पार्ट एग्जिट किया और ये वाला पार्ट एंटर हुआ, ठीक है, साथ में ही। अब एक बात का ध्यान रखना, ये गलती कभी मत करना जो मैंने की, जो एंट्री वाला पार्ट है उसको कभी आप लंबा नहीं करोगे, लंबा नहीं, मैंने कंट्रोल जेड दबा के उसे अंडू किया, उसे लंबा कर दिया तो वो लूप बिगड़ जाएगा सामने का। आप समझिए, यहाँ पे जहाँ पॉज है वहीं से रील स्टार्ट हो रहा है, तो वो कभी बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो क्रॉप है उस पर मैंने की फ्रेम लगाकर क्रॉप को टाइम के साथ बड़ा कर दिया, नहीं तो वो आधा कट जाता। आप देख रहे थे वीडियो, आधा कट रहा था, तो मैंने उसे क्रॉप को टाइम के साथ बढ़ा दिया और थोड़ा सा और फेदर दे दिया। तो आप देखिए क्या हो रहा है, स्मूथली प्ले हो रहा है वो म्यूजिक को, मैंने यहां से कट किया। वीडियो को भी कट करना पड़ेगा क्योंकि लूप वीडियो है, तो ये सब चीज़ एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। म्यूजिक को भी कट किया और आगे के वीडियो को भी हमने कट किया, ठीक है। लूप में प्ले करते हैं, लूप बटन ऑन किया, तो आप देख सकते हैं मुझे परफेक्ट लग रहा है। फिर भी थोड़ी सी दिक्कत एक चीज़ लग रही है कि थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसे थोड़ा सा और स्मूथ कर सके। तो हम क्या करेंगे, जो इसका क्रॉप रेशो था सेंटर से, ठीक है, आपने क्रॉप लिया था बीच में, इस वीडियो के स्टार्टिंग से आधा क्रॉप हो चुका था वीडियो, तो अलग ही नकली लग रहा था। तो मैंने क्या किया, उसका जो क्रॉप है उसको थोड़ा स्टार्टिंग से किया, धीरे से क्रॉप उसका बढ़े। तो आप देख सकते हैं अब वीडियो थोड़ा सा स्मूथ हो चुका है, फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करूँगा, ठीक है, समझ गए आप, थोड़ा सा स्मूथ होना सही है। अब वहाँ से एंट्री करूँगा तो ऑफकोर्स वहाँ शेडो तो आएगा, शेडो का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ एंट्री हो रही है, लाइट सामने से आ रही है, तो शेडो तो आएगा, उतना तो बेसिक है, उतना तो कुछ भी नहीं कर सकते। रेंडर करेंगे और एक बार हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया है। वेरी गुड, लूप में बढ़िया लग रहा है और यह हमारा वीडियो रेडी है। अब मैं मेरा टाइटल डाल दूंगा, जैसे टेक्स्ट टाइटल्स डाल दूंगा। आप चाहो तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप चाहते हो मैं आपको सेंड करूं तो मुझे बताइए, मैं अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ये टाइटल्स डाल दूंगा। मोनोक्रोमेटिक आउटफिट्स हैं मेरे दोनों, एक ब्लैक है और एक ऑलिव ग्रीन है। तो मैंने टेक्स्ट डाल दिया और इनकी एंट्री और एग्जिट का वाला पार्ट ही रखा सिर्फ, बाकी का डिलीट कर दिया बीच का। Bottles in a bucket full of ice. Yeah. Better make room, room, hit a Lambo. Celebrate. Bitch better believe that I'm a sniper. Yeah. You know I'm. तो दोस्तों ये था लूप वीडियो का ट्यूटोरियल, उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियो ऐसे बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप प्रीमियर प्रो पे नए हैं तो मैं खुद सीख रहा हूं, लेकिन मैं बहुत हद तक सीख चुका हूं।
और मेरे और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लाऊंगा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। मैं वायरन फ्रांसिस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।